नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, सिटी वेब न्यूज में आपका स्वागत है और आपके लिए पेश है आज के कुछ खास समाचार फटाफट न्यूज में। दूसरे दिन भी शिवसेना ने फूंका एसडीए का पुतला। बसपा के पूर्व मंत्री पर गैस एजेंसी हड़पने का लगा आरोप। स्वामी कालेंद्रनाथ ने बताया हवन यज्ञ के साइंटिफिक रीजन। डीएम ने संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर कर्मियों को दिलाई शपथ। खेल दिवस पर बच्चों ने जीते अनेक पदक। सिटी वेब न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। दूसरे दिन भी शिवसेना ने फूंका एसडीए का पुतला। शिव सैनिकों का सहारनपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ दूसरे दिन भी पुतला फूंक प्रदर्शन जारी रहा। नगर प्रमुख राजेंद्र चावला के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने हकीकत नगर छोटा चौक स्थित शिव मंदिर के पास एसडीए अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका यह प्रदर्शन लगातार 40 दिन तक जारी रहेगा। बसपा के पूर्व मंत्री पर गैस एजेंसी हड़पने का लगा आरोप। दिल्ली रोड स्थित शंकर नगर निवासी सोमपाल ने एक पूर्व मंत्री पर गैस एजेंसी हड़पने का आरोप लगाया है। एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे शंकर ने बताया कि बसपा कार्यालय में एक दर्जा प्राप्त मंत्री ने दबाव बनाकर गैस एजेंसी का मालिकाना हक अपने पक्ष में कर लिया था। इस एजेंसी पर उसका हक था, उसके पास पात्रता के पूरे कागजात है। सोमपाल का आरोप है कि जांच की कार्यवाही उसके खिलाफ हुई है। एसएसपी दिनेश कुमार पी से कार्यवाही की मांग की गई है। मेरा नाम सोमपाल है। मैं गैस एजेंसी के लिए दूसरे स्थान पर आया था, प्रथम स्थान पर विनोद आया था। विनोद की जो है जांच आई है, जो जांच कराई गई है वो झूठे तथ्यों के आधार पर जांच आई है, क्योंकि जो ओरिजिनल तथ्य है तो वो राइट मेरा बनता था, उसका राइट नहीं था। और आपके पास सब सबूत और आधार हैं? सब साफ मेरे लिए, मेरे पास सब सबूत है इसके लिए कि मैं ही इसके लिए पात्र हूँ, वो पात्र नहीं है। प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक प्रशासन वो उसके फेवर में वो दे रहा मेरे पे। ये कारण क्या है कि उस प्रशासन उसके फेवर में दे रहा है? वो मंत्री रहा हुआ ना, बसपा सरकार का पूर्व जो है दर्जा प्राप्त मंत्री रहा और वो दबाव बना के जो है अपने फेवर में लगा लेता है पैसे के बल पे। स्वामी कालेंद्रानंद ने बताया हवन यज्ञ के साइंटिफिक रीजन। राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर के अधिष्ठाता स्वामी कालेंद्रनाथ जी महाराज ने कहा कि मन की शुद्धता के लिए वातावरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। वातावरण की शुद्धता के लिए हवन यज्ञ बहुत जरूरी है। यह बात अहमदबाग स्थित सिटी वेब ऑफिस में मकान मालिक गौतम मदान द्वारा कराए गए हवन यज्ञ के दौरान स्वामी जी ने बताई। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हवन के काफी महत्व है। गौतम मदान ने अपनी पत्नी रंजना मदान के साथ हवन यज्ञ में आहुतियां दी। इसके अलावा सिटी वेब परिवार के लोग भी यज्ञ में शामिल रहे। नमस्कार पंडित जी, आज जो यहाँ पे हवन हुआ है उसका महत्व बताएंगे आप हमें? हवन जो है वो प्रकृति की शुद्धि के लिए है। ये वातावरण जिसमें इतना प्रदूषण, वो कर्मों के कारण या फैक्ट्रियों के धुएं के कारण या अन्य दूषित मानसिकता के कारण जो भी प्रदूषण होता है, जो भी अशुद्धता वातावरण में फैलती है, तो उसको हवन में जितनी भी समिधा गौ का सरकंडा, गौ का कंडा और गौ के घी से जब यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ के माध्यम से जितनी भी हवी निकलती है वो हवी इस वातावरण को शुद्ध करती है। और ये हमारा वैदिक आधार है, वेदों की परंपरा है कि यज्ञ के बिना शुद्धि संभव नहीं है। यज्ञ के द्वारा ही मन की, तन की और वातावरण की तीनों की शुद्धि वो यज्ञ से ही संभव है। दरअसल क्या है कि वातावरण जो है वो कली काल का, कलियुग का प्रभाव कहिए या कुछ भी कहिए, जितने भी लोग हैं वो शास्त्रों से और यज्ञ से दूर जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जितनी भी आधुनिक शिक्षा है, उस आधुनिक शिक्षा के चक्कर में, उस आधुनिक शिक्षा के फेर में पढ़कर जीव जो है वो हमारी वैदिक परंपरा, हमारा वैदिक यज्ञ है उसको भूल गए हैं। और जबकि क्या है कि ये सारा जो भी पाश्चात्यकरण हो रहा है, इस पाश्चात्यकरण से हमारी संस्कृति, हमारा आचार, हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र तक भ्रष्ट हो रहा है। उसका भ्रष्ट होने का कारण यही है कि अशुद्धता की अधिकता हो रही है। अशुद्धता की अधिकता होने के कारण ही ये सब अव्यवस्था समाज में, संस्कृति में, लोगों की मानसिकता में हो रही है। और इसी कारण जो है जीव जो है वो इस यज्ञ परंपरा से दूर जा रहा है। वैज्ञानिक महत्व यही है। देखिए क्या, अमेरिका ने अभी शोध किया पीछे, और सो तो यहाँ प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ है। उन्होंने गौ का एक सरकंडा लिया, गौ के गोबर से बना हुआ एक सरकंडा लिया और उस सरकंडे पर उन्होंने केवल गौ के घी की एक बूंद डाली, तो एक बूंद गौ के घी की सरकंडे के पर जो कंडा डला
वो कंडे पर जलते हुए कंडे पर जब डली तो एक टन ऑक्सीजन उससे पैदा होती है, एक टन ऑक्सीजन पैदा हुई। अब ऑक्सीजन जितनी कम होगी उतना ही रोग बढ़ेगा, ऑक्सीजन जितनी कम होगी उससे मानसिकता दूषित होगी, उतने ज़्यादा हमारा आहार व्यवहार जो है वो खराब हो जाएगा, प्रकृति भी उससे दूषित हो जाएगी। तो इस कारण क्या है कि वैज्ञानिक आधार यही है कि जो ये वातावरण वातावरण जितना शुद्ध होगा उतना ही मानसिकता शुद्ध होगी। डीएम ने संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर कर्मियों को दिलाई शपथ। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारतीय संविधान के अनुसार अपने मौलिक दायित्वों का अनुसरण किए जाने को लेकर शपथ दिलाई गई। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस बात की प्रतिज्ञा दिलाई कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, हिंसा से दूर, सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे एवं स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को बढ़ावा देंगे। खेल दिवस पर बच्चों ने जीते अनेक पदक। खालसा पब्लिक स्कूल में खेल दिवस का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर अनेक पदक जीते। विद्यालय के छात्र शांतनु ने मशाल को लेकर मैदान का चक्कर लगाया तथा छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कृत किया गया। सिटी वैम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।